डिंडोरी समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश से शहपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे पुल को पार कर रहे हैं। तो देखिए, डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से डिंडोरी और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो नदियां उफान पर है। शहपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है, जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह जो स्कूली बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं हर जगह से, क्योंकि बारिश लगातार हर जगह हो रही है। हमारे सहयोगी अनिल साहू अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। अनिल, जिस तरह से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है डिंडोरी से, साकुल नदी उफान पर है, कितने गांव इससे प्रभावित हैं और आगे बचाव और राहत कार्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये पूरा मामला डिंडोरी जिले के शहपुरा विकासखंड क्षेत्र का है, जहां पर रायपुरा गांव के समीप लालपुर गांव है, वहां पर ये साकुल नदी उफान पर है। इसका जलस्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिसको जो ग्रामीण है, आसपास के मुसाफिर है, वह स्कूली बच्चे इसको जान जोखिम में पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस इलाके की बात की जाए तो लालपुर समेत आधे दर्जन से ज्यादा गाँव है जिसका संपर्क शहपुरा मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं प्रशासन इस मामले से बेखबर है, ना ही कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कभी भी यह जानलेवा साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ग्रामीण जान जोखिम में ना डालें। जी प्रतिक्रिया, बिल्कुल। तो प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाके इस तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और नदियां उफान पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका।